असलामुअलैकुम एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन हैशटैग आस्क फहर। मैं हूं आपका होस्ट फहर रहमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई यू शुड कम टू जर्मनी। इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस कर चुका हूं। अब बेसिक लेवल की वीडियो सेट के थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं कि वो लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं, जिनके पास मास्टर्स की डिग्रीज हैं, उनको जर्मनी जो है क्यों चूज़ करना चाहिए। तो जो आज का टॉपिक होगा वो होगा जॉब मार्केट की वजह से आपको जर्मनी को चूज़ करना चाहिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने मैं रखूँगा कि किस तरह से जर्मनी में पोटेंशियल है कि ये ऑलरेडी फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत लो है, लेकिन कुछ फ्यूचर के अगर परस्पेक्ट में देखें कि जो आने वाले 10 साल हैं वो हमें कैसे दिख रहे हैं, तो जर्मनी जो है ये कैसे और ग्रो करेगा। इसके बाद इसी सीरीज़ की एक सेकंड वीडियो करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री और कुछ एक्सपीरियंस है तो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जर्मनी आएँ और अपने आप को सेटल करने की कोशिश करें। आप डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान से जॉब अप्लाई कर सकते हैं और बर्लिन में लाखों लोग ऐसे बैठे हैं, लाखों इट्स टू मच, काफ़ी लोग ऐसे बैठे हैं कि जो डायरेक्ट जॉब्स अप्लाई करके आते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं इंटरव्यू करूंगा मेरे दोस्त साकिब का, उनकी एक ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, अगर कोरोना में जिनके पास काम नहीं था उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उनसे इंटरव्यू करेंगे। वो पाकिस्तान में बैंकिंग की जॉब करते थे और डायरेक्ट जॉब की वीज़ा के ऊपर वो जर्मनी में आए, तो उनसे पूछेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है। थोड़ा सा फैक्ट्स अगर बात की जाए जर्मन इकॉनमी की, 2017 जो था 2017 बेस्ट पीरियड था जर्मन इकॉनमी के लिहाज से, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो थी 3.5 समथिंग के आसपास थी, वेरी लो। बवेरिया साइड जो म्यूनिक वाली साइड है उसमें ये 3.5 से भी कम थी। जो जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है यहाँ की वो स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ में वो इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जिसका जो एनुअल बजट होगा वो 500 मिलियन से कम हो और 500 जो लोग हैं उसमें एम्प्लॉय हो। तो ये जो है ये बैकबोन है जर्मन इंडस्ट्री की। सबसे ज़्यादा 2/3 जो जॉब्स हैं यही इंडस्ट्रीज क्रिएट करती हैं। सर्विसेज जो हैं, सर्विसेज के शोबे में जर्मनी में जॉब का एस्पेक्ट जो है ऑलमोस्ट 68% जॉब जो हैं इसी रिलेटेड हैं। अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए, अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और आप प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाते हैं कि जो आगे फ्यूचर है वो किस तरह से होने वाला है, लेट्स से जो अमेज़ॉन है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन के उभरा है रिसेंटली पूरी दुनिया में, तो जो बहुत सी जॉब क्रिएशन हो रही है इस फील्ड में भी हो रही है। अब अमेज़ॉन जो था हिस्टोरिकली और अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है अबाउट 80% वो USA ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके ऊपर नज़र रखना कि सेकेंड बिगेस्ट कौन है। तो UK को क्रॉस करने के बाद 22.5 बिलियन की सेल के साथ 2019 में जर्मनी जो है ये दुनिया का सेकेंड सेल्स के हिसाब से अमेज़ॉन के लिए कंट्री बन चुका है, जो ये शो करता है कि अब इसका जो फ्यूचर है आने वाले वक्त में वो किस तरह से और ज़्यादा होने वाला है। सो कीप एन आई ऑन दैट। उसके अलावा ट्रेडिशनली और फ्यूचर में भी ऑटोमोटिव, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चीज़ों की जो जॉब की फील्ड है उसमें तो जॉब्स होंगी। अगर ये बात की जाए कि जर्मनी की सक्सेस का राज क्या है, उसमें सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी जो जर्मन इकॉनमी की बैकबोन है वो स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा जो है सारा एक्शन हो रहा है। जर्मनी मशहूर है, इनके बारे में मशहूर है कि ये ऐसी चीज़ें बनाते हैं विच गोज़ इनसाइड द थिंग एंड देन इनसाइड द थिंग, के बड़े जो पुर्जा जात हैं उनके लिए मशहूर है जर्मनी। सेकेंड अगर बात की जाए तो जिस मुल्क की इम्पोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो वो इंडिकेट करता है कि ये कंट्री सक्सेसफुल है। जर्मनी अपने पीक पे 2017 में 10% एक्सपोर्ट की रेशो थी पूरी दुनिया में। लेट्स से अगर पूरी दुनिया में 100% एक्सपोर्ट्स हो रही हैं तो उसमें 10% जो कंट्रीब्यूशन थी वो जर्मनी थी, विच इज़ ह्यूज नोइंग द फैक्ट कि जर्मनी की जो अगर पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया में सिर्फ 1% है। तो अगर ऐसा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 1% ऑफ द वर्ल्ड और उसकी एक्सपोर्ट 10% है तो वो आपको उधर का स्ट्रक्चर, उधर का काम करने का अंदाज़ बताता है कि ये जो है एक हार्ड वर्किंग नेशन है, यहाँ की इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है और ये बिलीव करते हैं हार्ड वर्किंग पे।
तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो जर्मनी को जॉब के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि इफ़ समबडी इज़ थिंकिंग कि उसको अपना फ्यूचर अगले 10 सालों में एक स्टेबल इकोनॉमी में बनाना है जो दुनिया में बिला वजह कुछ लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे, जहाँ की मॉडर्न आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, नियर फ्यूचर जो है ये नीचे नहीं आने वाले। कुछ अगर नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता तो ऑब्वियसली उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे ये कोरोना का हुआ, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें कि जर्मनी अप्रैल के क्वार्टर तक जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो थी 0.3% के साथ वो ऊपर ही थी। सो अब जाहिर है उसके बाद नीचे जाना शुरू हो गई क्योंकि बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका था, लेकिन फिर भी जिस तरह मैंने बताया कि जो रिस्पॉन्स है जर्मनी का, जो ही अब रेस्टोरेंट या ये सारी चीज़ें ओपन हुई हैं, क्योंकि लोगों को पे किया गया था, लोगों के पास पैसा था, जो ही ये चीज़ें ओपन हुई हैं, चाहे वो इंटरनेशनल जो फ्रेंचाइजीज हैं, ब्रांड्स हैं, उनकी वो शॉप्स हों या रेस्टोरेंट हों, सारे जो हैं वहाँ पर दोबारा से बूम है और इतना स्ट्रगल नहीं किया। ये सारे इंडिकेटर मिलकर ये दिखाते हैं कि जो जर्मनी का फ्यूचर है, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि ओवरऑल अगर कोई बंदा अपना देखना चाहता है अपने फ्यूचर को, तो इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट। एज आई सेड, मेक श्योर टू स्टे इन टच, स्टे इन कनेक्ट। अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप जॉब के लिए डायरेक्ट पाकिस्तान इंडिया से जर्मनी आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मिलूंगा आपके साथ नई वीडियो में, तब तक।